यदि आपका भी खाता इंडियन बैंक में है और आप अपने मोबाइल के अंदर इंडियन बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इंडो एसिस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं लेकिन आपके पास आपके अकाउंट का एटीएम कार्ड नहीं है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने आधार कार्ड के जरिए ही इंडो एसिस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आपका आधार कार्ड आपके अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। तो इसे कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे और वहाँ पर इंडो एसिस एप्लीकेशन को सर्च करके उसे वहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद इसे हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज हो रहा है, लिखा है प्लीज डिसेबल वाईफाई एंड कीप मोबाइल डेटा ऑन, यानी यदि आपके मोबाइल में वाईफाई ऑन है तो उसे बंद कर दीजिए और अपने मोबाइल के डेटा को ऑन कर लेना है। चलिए ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ बोला है कि इंडो एसिस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप किस तरीके का यूज़ करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर के जरिए या फिर सेफ नंबर के जरिए। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर के जरिए ही इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डाल देता हूँ, उसके बाद सेंड एसएमएस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अलाउ कर देंगे। अलाउ करेंगे अब हमें यहाँ से उस सिम कार्ड को सेलेक्ट करना है जो मोबाइल नंबर हमारे इंडियन बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। तो मेरा एक पहला वाला सिम कार्ड ही मेरे अकाउंट के साथ लिंक है, इसलिए मैं इस पहले वाले को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा ये मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन टिक लग चुका है। यहाँ पे इसका टर्म्स और कंडीशन है, इसके चौकोर बॉक्स में हमें इस तरीके से चेक मार्क कर देना है। जैसे हम चेक मार्क करेंगे तो यहाँ पर इसका टर्म्स और कंडीशन आ जाएगा। यहाँ एक बार हम बैक करेंगे, देखिए यहाँ से बैक करने के बाद यहाँ नीचे लिखा है प्रोसीड, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। इस एप्लीकेशन को एक्टिवेट हम तीन तरह से कर सकते हैं, पहला है एटीएम कम डेबिट कार्ड, दूसरा है एग्जिस्टिंग एम पिन और तीसरा है आधार ऑथेंटिकेशन। चलिए मैं यहाँ पर अपने आधार नंबर को डालता हूँ, आधार नंबर डालकर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एस करेंगे। हमारे इस आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल पे एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालकर एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा ये एप्लीकेशन एक्टिवेट हो चुका है। अब इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे 4 अंकों का एम पिन बनाना है, तो अपनी मनपसंद से कोई भी एम पिन हम सेट कर सकते हैं। दोनों जगहों पे सेम एम पिन डालेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे लिखा है प्रोसीड, इस पर क्लिक करेंगे। एम पिन तो हो गया इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए। जब हम इस एप्लीकेशन से किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस टाइम हमें इस एम टी पिन की जरूरत पड़ेगी, तो इसे भी हमें आप बना लेते हैं। तो ट्रांजेक्शन पिन भी बनाने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू द कंटिन्यू यूजिंग इंडो एसिस एप्लीकेशन। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी बिना एटीएम कार्ड के ही केवल अपना आधार नंबर डालकर इंडो एसिस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे एम पिन डालते हैं और इस एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन कर लेते हैं। देखिए लॉग इन करने के लिए जैसे ही मैंने एम पिन डाला तो यहाँ पर लिखा गया अलाउ ऐप फॉर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, यानी हम यदि इस एप्लीकेशन में फिंगरप्रिंट के जरिए लॉगिन करना चाहते हैं तो हमें यहाँ से एस पे क्लिक करना है और हमें अपने मोबाइल के फिंगरप्रिंट स्कैनर पे अपनी उंगली को रखना है। देखिए इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए फिंगरप्रिंट को भी एक्टिवेट कर दिया है, चलिए ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ लिखा है अकाउंट्स, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपने अकाउंट का बैलेंस वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे इस अकाउंट का बैलेंस है 1190 रुपया 25 पैसा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।